हे गाइज, कैसे हैं आप लोग? ऐसा कर तो आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। ये सीरीज कंटिन्यू लगभग 10-12 दिन से एकदम पूरा कंटिन्यू है और ये चलता रहेगा। एकदम रोज का एक पजल जो है ना, रात के 8 बजे आपको मतलब एकदम कुछ नया सीखने को मिलेगा एकदम, है ना? क्योंकि हर एक दिन का पजल का लेवल कंसेप्ट सब अलग अलग रहता है ना? तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी बने रहना ये आपका फर्ज है। मैं भी अपने से वादा करता हूँ एकदम कंटिन्यू रखूंगा। हाँ, लेकिन ये इसका जो लेवल है ना, प्रीलिम्स लेवल का ही है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। अब बच्चे ना अक्सर इसमें फंस जाया करते हैं। तो आइए सेशन का शुभारंभ करते हैं। और हाँ, एक बार और बताना चाहूंगा कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना ताकि रोज का 8 बजे नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी मिल जाए। नहीं तो हो सकता है किसी दिन आपको देखने को मिले, तो किसी दिन नहीं भी मिल सकता है ना? नोटिफिकेशन तो आएगा नहीं, है ना? तो चलिए। हाँ, ये मस्त एकदम जबरदस्त है, पेन सेलेक्टेड है। ओके, देखो इसमें क्या कहा जा रहा है ना कि नीतीश, प्रज्ञा, सीता अलग है, राम अलग है, सोनम, रोशनी, राहुल, चंदन, ये सब ना एक सर्कुलर फेंसिंग मतलब में सेंटर पे बैठा हुआ है, ठीक है? नो टू मेल एंड टू फीमेल आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। आ गया थोड़ा सा एकदम ट्विस्ट कहानी में एकदम। देखो सिर्फ 8 लोग ही नहीं बैठे हुए वहां पे, मेल फीमेल का भी ध्यान में रखना है। तो अब कैसे होगा भाई? चल अब जैसे ही यहाँ पे ब्लड रिलेशन थोड़ा बहुत घुसा देता है ना, तो बच्चा को ये लगने लगता है ना कि अब तो बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, बहुत गड़बड़ होने वाला है ना? तो ऐसा कुछ है नहीं, आइए दिखाते एकदम आसानी से इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे दो पॉसिबिलिटी हमेशा ले लेते हैं, जैसे सर्कल बना लिए, 4, 5, 6, 7, 8, एक और यहाँ पे है, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये हो गया। बीच में एकदम लक्ष्मण रेखा खींच दे रहे हैं। चलो हाँ, सब सेंटर को फेस कर रहे हैं, ये भी बात ध्यान रखना है। इसमें क्या कह जा रहा है, नीतीश इज द हस्बैंड ऑफ सीता। ओ माई गॉड, नीतीश सीता राम की नहीं हुई क्या इसमें? सो सैड। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। कोई बात है, यहाँ पे अब दिखाते हैं चलो कि नीतीश जी जो है ना सीता के हस्बैंड है, दिखा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नीतीश सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सोनम। सोनम बेवफा जो है ना, यहाँ पे मान लेते हैं सोनम जी यहाँ पे, तो 1, 2, 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा नीतीश भाई, ठीक है? यहाँ पे है सोनम है, 1, 2, 3, यहाँ पे नीतीश, ठीक है? चल इतना हो गया। हाँ, यहाँ पे ना नाम के अकॉर्डिंग ही जेंडर है, तो इसमें भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट आपको नहीं करना है ना? और ये हो गया राम सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, ठीक है? देखो राम सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, लेकिन राम इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ नीतीश, और सोनम के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है। मतलब राम यहाँ यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ यहाँ नहीं हो सकता है। देखो अगर हम राम को यहाँ पे करते हैं तो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, तो ये जगह खाली होना चाहिए, इसलिए फिक्स है कि जो राम है ना यहीं पे रहेगा। जब राम यहाँ है ना, तो जो राहुल है ना, राहुल यहाँ पे रहेगा। दोनों केस सेम टू सेम चल रहा है ना, बैक टू बैक। यहाँ पे इसमें हो गया राम, हो गया यहाँ पे, हो गया ये, हो गया राहुल, हो गया, ठीक है? राम इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, हो गया। राम इज नॉट इमीडिएट नेबर नीतीश और सोनम, ठीक है, हो गया। सोनम और चंदन इमीडिएट नेबर, तो वो सोनम और चंदन, सोनम यहाँ पे तो चंदन यहाँ पे हो जाएगा ना, चंदन यहाँ पे हो गया। इस वाले केस में भी चंदन यहाँ पे हो गया, ठीक है, इमीडिएट नेबर। राहुल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ हिज वाइफ प्रज्ञा, तो राहुल जो है ना किसका हस्बैंड है? प्रज्ञा का, ठीक है? यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, राहुल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ मतलब हिज वाइफ प्रज्ञा, ठीक है? लेकिन रेशमा जो है ना, अच्छा, तो मतलब यहाँ पे प्रज्ञा नहीं हो सकती, हो सकता है प्रज्ञा यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे, ठीक है? तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे प्रज्ञा हो करते हैं, तो रेशमी जो है ना रोशनी फोर्थ टू द लेफ्ट, तो उसके सामने वाला जगह खाली होना चाहिए, तो ये तो है नहीं, इसलिए फिक्स है कि प्रज्ञा यहाँ पे है और रोशनी जो है यहाँ पे है, ठीक है? हो गया आमने सामने एकदम, चौथा भी हो गया है ना, चौथा मतलब फोर्थ हो गया, एक कौन बच गया भाई? नीतीश हो गया, सीता हो गया, राम हो गया, सोनम, राहुल की है, राहुल भी हो गया, सोनम बेवफा भी हो गई, अच्छा राम भी हो गया, प्रज्ञा, नीतीश, रोशन, चंदन, चंदन भी हो गया, कौन बच गया भाई? सोनम, सोनम, रोशनी, ये रोशनी भी है, ठीक है ना?
नीतीश प्रज्ञा, ये भी है। अच्छा, सीता बची, सीता आंटी जो है ना। चलिए तो सीता जो है ना, तो सीता को हम यहाँ पे बैठा देते। अच्छा एक बात बताओ, फीमेल 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 फीमेल, ये सब मेल मेल है। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है? अब इसका तो क्लियर है कि नीतीश सीता का हस्बैंड है, राहुल प्रज्ञा का हस्बैंड है, लेकिन दो जो है ना, राहु क्या बोलते हैं, चंदन और एक कौन है भाई, चंदन और राम में कन्फ्यूजन है भाई। कौन केकर घर वाला घर वाली है पता नहीं चलेगा, एकदम कन्फ्यूजन है। मिला के काम चला लेना है यहाँ पे। अगर जब भी क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है, तो या तो आइदर का केस आएगा, मान लो ये अगर पूछा जाए, ठीक है, कि प्रज्ञा ये और रोशनी किसकी वाइफ है, कुछ ही पूछा जा सकता है। ऑप्शन आपको दो दिया जा सकता है, ऐसा नहीं देगा बोथ वाला, आइदर करके, ये आइदर ये राम या फिर आइदर चंदन, कुछ भी एकदम। तो वहां पे आपको थोड़ा सा सतर्की खेलना है, नहीं तो पता चला सब एकदम आउच पहुंच सब हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है। पजल हो गया डन, बस दो का भी ये जो है ना, मतलब पेयर क्लियर नहीं है, जेंडर तो क्लियर है, यहाँ ये मेल है, क्योंकि सब देखो दो फीमेल एक साथ नहीं है, दो मेल भी एक साथ नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों का अपना मिक्सअप है, काम चला लेना भाई, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अगर पजल ही आपको अच्छा लगा ना, ठीक है, जो इसको शेयर के चैनल में पहली बार है तब सपोर्ट करो, है ना, तो सपोर्ट तो एकदम तहे दिल से बनता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, इस सब में से जो दोस्त जो भी आपका कोई होगा ना, उसको ये पजल टैग कर दो, शेयर कर दो। चलिए बाय बाय।